हे एवरी वन वेलकम अगेन टू ई इज़ लर्निंग और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टर्म ग्रेफाइन इज ऑल्सो नोन एज जो आपका टर्म है ग्रेफाइन उसको क्या कहा गया और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन और हॉइजेंटल कम्युनिकेशन ये आपके लाइव टेस्ट में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे और आज आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या आंसर्स थे क्यों थे ये बच्चों ने अटैम्प्ट भी किया जो स्कोर किया वो रिजल्ट भी शेयर किया मुझसे तो अब उन्हीं क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे क्या रीज़न था और क्यों आंसर्स क्या थे ठीक है द टर्म रिफाइन इज़ ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपका होता है इस तरीके से टॉप टू बॉटम ठीक है नीचे की तरफ आ रहे हैं आपका रो. तो दैट इज़ योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसका कोई रोल नहीं इधर उधर कहीं भी किसी से आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन एरो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल पे तो आपका ग्रिफाइंड टर्म है जिसमें आप इधर उधर कहीं से भी कुछ भी किसी के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज हिंदी में भी है ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज क्या है इफेक्टिव वर्ड अब आपको देखो की वर्ड से जाना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज योर की वर्ड क्लियर तो नॉन अलाइनमेंट डोमिनेशन पैसिफिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अब वर्ड जो इफेक्टिव है ये पॉजिटिव वर्ड है अब आपको कनेक्ट करना है इसको किसके साथ कि किससे आपका पहले से मतलब प्री सपोज मतलब पहले से ही आप मान के चलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज नॉन अलाइनमेंट के दो लोगों में अलाइनमेंट नहीं होगा ऐसा तो नहीं है डोमिनेशन <coughs> कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर रहा है वाइल्ड कम्युनिकेशन पैसिविटी मतलब कि पैसिव लर्नर पैसिव लर्नर जिसका कोई भी रोल नहीं है वो सिर्फ सुन रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर रहे तो पैसिव लर्नर होते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज अब कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज वर्बल कोड इंट्रापर्सनल सिंबॉलिक कोड एंड नॉन वर्बल कोड कम्युनिकेशन में लैंग्वेज आपकी क्या होती है फर्स्ट क्लास मैंने आपकी कम्युनिकेशन की ली थी तभी मैंने आपको करवाया था इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज की हम बात करेंगे दैट इज वर्बल कोड क्यों इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज वर्बल कोड ऑप्शन इज यो राइट आंसर इंट्रा पर्सनल भी क्या है मैं आपको बताऊँ इंट्रापर्सनल जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दैट इज़ वैन वी कम्युनिकेट विथ अन सेल्फ खुद से कम्युनिकेट करते हैं सिम्बॉलिक और आप सिम्बल से कम्युनिकट करते हैं तो एरिया छोटा हो गया कैसे आपने चीज़ों को सैग्रीकेट करना है आंसर नहीं पता तब भी सैग्रिकेशन करना है ये उस रीजन के लिए हैं और दूसरा है आपका नॉन वर्बल कोड नॉन वर्बल कोड मतलब कि आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं क्लियर तो इन द कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज वर्बल कोड ऑप्शन ए स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन क्लास रूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स ठीक है द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन क्लास रूम क्लास रूम याद कीजिए आपको मैंने क्लास रूम कम्युनिकेशन की क्लास ली थी उस पूरी क्लास को मैं तीन अगर कीवर्ड्स में बताऊं क्लासरूम कम्युनिकेशन जो ज़्यादा फोकस करेगा आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे आप क्लास में कम्युनिकेट करें कम्युनिकेट करेंगे तो आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं अपनी मेंटल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड या कंटेंट ओरिएंटेड बात कर रही हैं इधर उधर की बातें नहीं हो रही क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर डेलिब्रेटली एफर्ट्स डालकर आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को सीख जाएँ आज की क्लास class है क्लासरूम कम्युनिकेशन की तरह कि आपको मैं सिखाना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप सीख जाएँ पी वाई की उस आप समझ जाएँ तो ये काग्नेटिव लोड की बात करता है कॉग्नेटिव आस्पेक्ट कुछ स्किल्स की कुछ मेंटल एबिलिटीज़ की बात करेगा इधर उधर की बातें नहीं होंगी इसमें तो स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन रिड्यूस स्टूडेंट क्या कम हो जाएगा अगर कुछ ऑडियो में दिक्कत है सुनने में दिक्कत है कॉग्नेटिव लोड की वर्ड आपको मिल चुका है काग्नेटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट फॉर द टीचर मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी कोई मतलब नहीं इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से ठीक है मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस का भी रोल नहीं है छोटा आस्पेक्ट है रिस्पेक्ट फॉर द टीचर से इफेक्ट नहीं होगा अगर आवाज़ में दिक्कत आ रही है सुनाई नहीं दे रहा या आपका बाहर से नॉइज़ है तो कॉग्निटिव लॉर इज अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर क्लियर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है ये सारे आपके ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मूक प्लेटफॉर्म मूक इज योर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज तो इसमें से कौन सा है आपका मूक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जाकर डेटा ले सकते हैं कुछ पूरा एक बना बनाया कोर्स ले सकते हैं कॉन्टेंट नॉलेज ले सकते हैं तो कौन सा है उंट जिट्सी मीट कौसेरा एंड गूगल मीट गूगल मीट है यूजली हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं गूगल मीट्स पे ठीक है आपका उर्कुंड आपका प्लेजिजम चेक करने के लिए होता है जब आप रिसर्चर्स करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे टीचिंग में आएंगे तो आप अपने लिए रिसर्च पेपर्स करेंगे तो उसमें कितना कॉपी पेस्ट है कहीं से डेटा लिया तो नहीं किया तो उस एस्पेक्ट को चेक करने के लिए उर्कुंड का यूज़ किया जाता है जिट्सी मीट इज सेम विद द गूगल मीट इट्स अ प्लेटफॉर्म वे यू कैन कनेक्ट विद द अदर पर्सन एंड कौसेराज जो आपका एक मूक प्लेटफॉर्म है खान अकेडमी आपका मुख्य प्लेटफॉर्म है दीज आर योर मुख प्लेटफॉर्म ओके नेक्स्ट वी हैव अ यूनिवर्सिटी टीचर अ यूनिवर्सिटी टीचर मेक्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सपोजिटरी क्लास विदाउट केयरिंग टू द इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ भाई यूनिवर्सिटी टीचर है कोई और उसने क्लास ली लेकिन बच्चों को बारे में नहीं देखा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया विदाउट केयरिंग फॉर हिज इफेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल इंट्रेक्टिव ट्रांजैक्शनल ऑथटेरियन एक कम्युनिकेशन मॉडल की क्लास है आप ईज लर्निंग पे सर्च करना या मैं ग्रुप में शेयर करूंगी अब आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपका लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल स्टेट लाइन सेंडर रिसीवर और एक मैसेज बात खत्म स्टेट लाइन सेंडर था मैसेज था रिसीवर था कम्युनिकेशन हो गया लीनियर कम्युनिकेशन सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया बात ख़त्म इंटरेक्टिव दो लोग इन्वॉल्व होंगे ठीक है आप इंट्रैक्शनस कर देंगे ट्रांजेक्शनल दो लोग इन्वॉल्व होंगे ट्रांजेक्शनल जो कम्युनिकेशन मॉडल है गिव एंड टेक पे चलता है कंप्लीट होता है इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है इंट्रैक्शन भी इसका पार्ट हो जाएगा ऑथोटेरियन जिसमें ओनली वन पर्सन इज़ इन्वॉल्व एक पर्सन ने कम्युनिकेट किया डोमिनेट किया या कैसे भी कम्युनिकेट किया रिसीवर को समझ आया नहीं आया फीडबैक का रोल नहीं है तो इसमें कहा है कि कौन सा है जिसमें आप यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो आपको आंसर यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो आपको बता रहा है कि उसको स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं है तो सेंडर ने रिसीवर को कम्युनिकेट किया फीडबैक का रोल नहीं था दैट्स ऑप्शन ए लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल सेंडर ने सिर्फ मैसेज दे दिया स्टूडेंट्स को समझ आया नहीं आया क्योंकि तो यहाँ पे की है बच्चे विदाउट केयरिंग टू इट्स इफेक्ट टू दी स्टूडेंट्स क्लियर कम्युनिकेशन मॉडल की क्लास भी देखिए ले, आप एक बार नेक्स्ट वी हैव टू स्टेटमेंट्स हैं आपको आंसर देना है कि क्या है स्टेटमेंट्स और क्या है आंसर

नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल कंडीशनिंग वॉर डिस्कवर्ड बाय आई वन बिल्कुल बात ठीक क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी आई एन ने दी थी तो स्टेटमेंट टू इज योर राइट एंड वन इज इनकरेक्ट तो वन कहाँ इनकरेक्ट है देखिए वन है ऑप्शन डी में इनकरेक्ट और टू है करेक्ट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर दो मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व एक मतलब दो सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जितनी आपको कॉन्सेप्शन नॉलेज है मैं पी वाई की उस पर जोर नहीं देती हूँ मैं ज़्यादा जोर देती हूँ फाउंडेशन सीरीज पे कॉन्सेप्शन सीरीज पे जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है बात समझ आती है आपको पता है कि टू प्लस टू फोर है कहीं से कोई भी आप लॉजिक लगा के किसी के आगे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ जी फोर है लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता आपने रूट लर्निंग किया तो आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पक्का है क्लियर है कितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन कीवर्ड इज़ कॉग्नेटिव एस्पेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर डेलीब्रेटली जानबूझ कर एफर्ट्स लगा कर कम्युनिकेट करेंगे ठीक है नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल एन बैरियर टू कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा फ़िजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर है कम्युनिकेशन में तो टाइम है पर्सनैलिटी है पावर है अथॉरिटी है कल्चर है फिजिकल कोई चीज़ चली गई दोबारा नहीं आ रही है फिजिकल इन्वायरमेंट पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट में आ जाएगा किसी की कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसे होती है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते या दे आर नॉट रेडी टू डिस वो सुनना ही नहीं चाह रहे तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे साइको एनालिटिकल पार्ट आ गया पावर अथॉरिटी पावर का डिफरेंस है हम यूजुअली अपने सीनियर्स से एच से डीन से चेयरमैन से या जो भी हायर पोस्ट पर हैं उनसे बात करने में थोड़ा तो सा डरते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे साइकोनोलिकल पार्ट कल्चर डिफरेंस हो गया नाम ही कल्चर है तो कल्चर डिफरेंस आ गया तो टाइम इज़ योर फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर ठीक है टाइम की कमी से आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो टाइम इज योर फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर क्वेश्चन को समझना है बाकी ऑप्शन को भी समझना है क्लियर नेक्स्ट देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवल्ड एज असर्शन दैट इज ए

जितनी भी नंबर्स को आपने कैलकुलेट किया तो उसको आप जनरलाइज कर पाएंगे पर आपको मैंने रिसर्च करवाते वक्त बताया था कि क्वालिटेटिव स्टडीज होती है जब आप लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमन बींग इन्वॉल्व हैं के स्टडी इन्वॉल्व है कल्चर को स्टडी कर रहे हैं अब देखो कल्चर को स्टडी कर रहे हैं एथनोग्राफिक रिसर्च ठीक है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन की एलिमेंट एथनोग्राफिक रिसर्च क्लियर फिनलॉजी जो है आपकी उसको स्टडी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर रहे हैं अलग बात हो गई आप लोगों को पर रिसर्च कर रहे हैं कोई केस स्टडी कर रहे हैं लॉन्गटिट्यूड स्टडीज़ कर रहे हैं नरेटिव रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट है जनरलाइजेशन कर ही नहीं सकते आप क्वालिटेटिव स्टडीज़ में क्यों क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं जो मुझ पर धूल अप्लाई हो रहा है वो किसी और पे धूल अप्लाई नहीं हो रहा वी ऑल आर डिफरेंट तो जर्नलाइजेशन ऑफ अ फाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली इन क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ येस इज़ ट्रू ठीक है तो ये बिल्कुल हो गई ठीक बात देन वी हैव क्वान्टिटेटिव स्टडीज मेक यूज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग क्या ये भी ठीक है अब ये आप आप लोग बताएंगे मुझे कि डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग इज मोर स्पेसिफिक ठीक है आप चीज़ों को मोर स्पेसिफिक कर रहे हैं तो जब आप चीज़ों को स्पेसिफिक करते हैं तो क्या होता है आप बताइए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में से क्या ठीक है क्या गलत है इसका आंसर दीजिए ठीक है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है लेकिन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर बात ठीक है डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें एक बार इंग्लिश और हिंदी देख लेते हैं देखिए बात क्या है कि जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग इज पॉसिबल इन ओनली इन क्वांटिटिव स्टडीज आपको बीच में लगाना है बेटा बिकॉज जैसे आपने लगाया बिकॉज तो आपको पता लगा देखिए इसमें बीच में लगाइए आप बिकॉज जिससे कि आपको समझ आता है कि क्या था बिकॉज का आंसर मिले ना रीजन में तब वो स्टेटमेंट ठीक होती है बिकॉज क्वान्टिटेटिव स्टडीज मेक यूज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग क्या इसका लॉजिक है ही नहीं है तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ठीक है नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सेंडर इनकोड मैसेज चैनल डिकोड मैसेज ऑडियंस के पास गया फीडबैक दिया वैसे तो उसका ऑप्शन यही है दोबारा देखिए आप सेंडर मैं सेंडर हूँ मैंने अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कैसे भी आपको समझ आ जाए मेरा इनकोड मैसेज ये था कि आपको कैसे भी कम्युनिकेशन हो जाए इनकोड किया मैसेज किस मीडियम से किया मान लीजिए कोई चैनल लिया आपने दैट इज़ योर यूट्यूब डिकोड मैसेज रिसीवर ने मैसेज को अपने अकॉर्डिंग समझा सेम बात मैं सबको बोल रही हूँ लेकिन हर रिसीवर अपने अपने तरीके से समझेगा किसी को बिल्कुल हंड्रेड परसेंट समझ आ गई बात जल्दी जल्दी समझ आ गई किसी को नाइन्टी परसेंट आई किसी ने पुराना लेक्चर देखा ही नहीं कभी वैसे तो मेरी क्लासेस इस तरीके से होती हैं कि आपको बिना पुराना लेक्चर देखे भी समझ आए ठीक है तो बात यह है कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस ने लिया फिर फीडबैक दिया आपको समझ आया कि नहीं आया तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका जिसमें एक सेंडर होगा मैसेज होगा आपका कोई चैनल यूज़ होगा रिकॉर्ड पहले आएगा याद रखना हमेशा फिर ऑडियंस आएगी फिर फीडबैक पहले आप मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे ऑडियंस ने समझा फिर फीडबैक दिया तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर अब आप करेंगे मैच द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक आपकी बात कर रहे हैं हम गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिकल म्यूजिकल नेचुरस्टिक क्या क्या है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ठीक है एबिलिटी जिसमें आप लैंग्वेज को समझते हैं ऑप्शन देखिए एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड प्रोड्यूस रिदम टोन पिच एंड टिम्पल लॉजिकल मैथेमेटिक जो नाम है वही है रीजनिंग आ जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन तो ऑप्शन इसका, तो इसका तो हो गया इसका तो हो गया आपका सेकेंड म्यूजिकल म्यूजिकल आप समझ रहे हैं कि आप म्यूजिक में दिदम्स वगैरह समझेंगे ठीक है नेचुरलिस्टिक जो नेचर की बात करेगा प्लांट्स नेचर इनकी ठीक और लिंग्विस्टिक इज डन विद लैंग्वेज मिल गया आंसर आपको चाहिए कीवर्ड आंसर मार्क करने के लिए दुनिया भर की चीजें आप याद कर लीजिए नहीं आपको कीवर्ड समझ आ गया शॉर्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपका क्वेश्चन डन है, ठीक है चलिए आप करना आइडेंटिफाई गूगल मीट सेशन सीक्वेंस बतानी है इस तरीके से कई बार आप क्वेश्चन रीडिंग में टाइम लगता है आपको पता होती हैं चीज़ें तो आप सोचो आपने गूगल मीट स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे पहले सबसे पहले आप गूगल मीट डॉट कॉम पर जाएंगे जी मेल खोलेंगे जी मोल जी मेल पर मतलब गूगल मीट डॉट कॉम पर गए ऑप्शन डी सबसे पहले आपको समझ आ गया कि ऑप्शन डी तो भाई बिल्कुल ठीक है ऑप्शन में देखना आप फिर ठीक है फिर क्या करोगे क्लिक यूज अ मीटिंग कोड क्लिक आस्क टू ज्वाइन एंटर कोड एंड क्लिक कॉन्टिन्यू इन द मीटिंग गिव्स यू एक्सेस यू विल ज्वाइन तो क्या करेंगे गूगल मीट डॉट कॉम पर गए मीटिंग कोड यूज़ किया और उसके बाद एंटर कोड क्लिक टू कॉन्टिन्यू आज टू ज्वाइन उन्होंने एक्सेस दे दिया आंसर आ गया तो अब की वर्ड्स कैसे ढूंढेंगे आप इसको मैं एक बार हटा दूँ तो देखिए सब डी ऑप्शन पहले आना चाहिए डी ऑप्शन दो ऑप्शन में पहले है बी में भी और डी में भी तो आपको देखने की डी तो पहले आना चाहिए अब ए की थोड़ी सी कन्फ्यूजन बची है सी और ए की आप क्लियर कर लेंगे क्लिक यूज है मीटिंग कोड पहले आएगा ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर ठीक है इस तरीके से करेंगे ऑप्शन बी इज़ यू राइट आंसर नेक्स्ट देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आ गया कीवर्ड बताया था आपको इफेक्टिव इफेक्टिव सिलेक्टिव कॉग्नेटिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं दिमाग की बात कर रहे हैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं हम कॉग्नेटिव खत्म ठीक है दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिए ओके आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल लाइक like, कमेंट नहीं कर रहे हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट Thank you.